बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल में आप खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में एक और कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने लगे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो जॉब्स आई हैं उसमें जीडी की पोस्ट पे अप्लाई करवाना चाहता है, तो चलें उसका अप्लाई प्रोसीड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली घर बैठ कर खुद ही अप्लाई कर लें, ठीक है। और अगर कोई इशू होता है, अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे lea1jobs.pk, राइट, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको, लेट मी आपको स्टार्ट से करके बताता हूँ। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये इंटरफेस होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने इस जॉब्स पर क्लिक कर देना है। जॉब्स पर क्लिक करने के बाद तमाम जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। तो जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उस खाने में जाएं और वहाँ पर व्यू जॉब डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर GD7 के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये देखें, यहाँ पर तीसरी रो में ये GD BS7 की पोस्ट नज़र आ रही है और 207 असामियाँ। व्यू जॉब डिटेल के इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी ये मेरे सामने डिटेल इसकी ओपन हो गई है, आप इसको पढ़ लें। रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं और अगर असामी है आपके सूबे की तो उस पर आप अप्लाई कर लें। तकरीबन काफ़ी सारी असामी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें, होना तो ये चाहिए कि अब आपके सामने साइन अप का फॉर्म आ जाए रजिस्ट्रेशन का, लेकिन ये चूंकि साइन अप का फॉर्म नहीं आया तो आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, ये ऊपर से साइन अप का जो बटन आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इस साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपना नाम, कम्प्लीट नाम, CNIC नंबर, email ID और मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। याद रखिएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर इंसर्ट करते वक्त इसमें आपने डैशेज नहीं लगानी, और मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त आपने 92 लिखना है, उसके बाद अपना मोबाइल का कोड लिखना है। लेकिन याद रखिएगा, 0 आपने नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 0322 से, तो आपने इस तरह लिखना है 92322, ठीक है। ये जो 0 है ये स्किप कर देना। तो इस तरह आप एहतियात से सही लिख कर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं इस कैंडिडेट की डिटेल इंटर करके नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। ये बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें डिटेल्स आपने इंटर करनी होती हैं, उसके बाद पासवर्ड रखना होता है, डिटेल्स को कंफर्म करना होता है, देन आपने सबमिट करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेते हो, यानी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। जी, मैं नेक्स्ट करके सेकेंड स्टेप पर आ गया हूँ, जो कि पासवर्ड का स्टेप है। अब यहाँ पर आप पासवर्ड रखना कोशिश करें कि अल्फ़ाबेट और नमेरिक का कम्बिनेशन करके पासवर्ड रखें, और 10 करेक्टर यानी 10 डिजिट्स तक आपका पासवर्ड हो, ठीक है। कुछ नुमेरे करेक्टर्स कर लें, 1-2 वाले, और कुछ करेक्टर यानी ABCD का कम्बिनेशन मिलाकर आप पासवर्ड रखें और उसको कंफर्म पासवर्ड करके नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब इस तीसरे स्टेप में डिटेल्स को मैंने कंफर्म करना है, अपना CNIC यहाँ पर इंटर कर दें, आप करेक्ट ईमेल अपनी करेक्ट इंटर करें, और फोन नंबर अगेन उसी तरह आपने इंटर करना है जिस तरह प्रीवियस स्टेप में आपने पहले स्टेप में इंटर किया था, यानी 92, उसके बाद कोड 0 के बगैर और नंबर आप इंटर कर दें। उसके बाद आई एम नॉट अ बोर्ड पे चेक कर दें और बाय साइनिंग इन इसको चेक कर दें, और इसके बाद नेक्स्ट कर दें। प्रीवियस फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने ये लॉगिन का फॉर्म आ जाएगा, और इस लॉगिन के फॉर्म में आपने अगेन यहाँ पर CNIC नंबर का अंदराज करना है और पासवर्ड दर्ज करके आपने आई एम नॉट अ बोर्ड को चेक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट प्रोफाइल में लॉगिन हो जाना है। चलिए जी, मैं स्टेप को भी करता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा, यानी ये अभी आपका अकाउंट है जिसमें आप साइन इन हो चुके हैं। अब आपने वंस अगेन जॉब्स के इस बटन पे क्लिक करना है। तमाम जॉब्स आपके सामने एक दफ़ा फिर आ चुकी हैं। यहाँ पर GD7 जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे चले जाएं और व्यू जॉब डिटेल्स पे या अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक कर लें। मैं व्यू जॉब डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसी तरह मेरे सामने फिर डिटेल्स आ गई हैं इस जॉब्स के हवाले से, नंबर ऑफ सीट्स सारा कुछ मुझे यहाँ पर बता रहा है। अप्लाई फॉर जॉब के इस येलो बटन पर मैं क्लिक करके प्रोसीड कर दूँगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर जॉब के बटन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो अब ये 6 स्टेप का प्रोसेस है जिसको आपने कम्प्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने का है, यानी आप अपने बारे में प्रोफाइल डाटा कंप्लीट करेंगे, बायोडाटा अपना इंटर करेंगे जिसमें आपके फादर का नेम, एड्रेस होगा, आपकी बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम चीज़ें आपने इंटर करनी है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको सेकंड नंबर पर एंटर करनी होगी, यानी ये एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करेंगे, मैट्रिक, इंटर और उसके बाद जो भी आपके पास डिग्री है वो तमाम डिटेल्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर लैंग्वेज की डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो एक्सपीरियंस के बारे में आपको पूछा जाएगा, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी इंटर कर दें। और एक्सपीरियंस के बाद पांचवा जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में ये फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है आपको, CNIC का फ्रंट अपलोड करना होता है और बैक साइड अपलोड करनी होती है पिक्चर, और फाइनली आप डोमिसाइल अपलोड करके नेक्स्ट करते हो, एंड फाइनली प्रीव्यू करके आप अपना फॉर्म देखते हो और उसके बाद उसको फाइनली सबमिट कर देते हो। तो ये 6 स्टेप्स आपने कंप्लीट करके आपका फाइनली अप्लाई हो जाता है। तो चलिए जी, मैं जल्दी से बेसिक डिटेल इंटर करके नेक्स्ट करता हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको फिर स्क्रीन शो करता हूँ। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं बेसिक इंफॉर्मेशन का जो पेज है वो आपके सामने मुकम्मल तौर पर शो नहीं करता, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेसी है, प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए वो मैं हाइड कर रहा हूँ। अभी सेकंड स्टेप में आपने बारी बारी अपनी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं डिग्री की वो ऐड कर देनी है। मैट्रिक की ऐड करते हैं, 10 साल एजुकेशन, डिग्री का टाइटल क्या है, मैट्रिक है, सब्जेक्ट कौन से हैं, साइंस के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया या इसके अलावा ओ लेवल किया है, तो साइंस के साथ पास किया जी इसने। ऑब्टेंड नंबर कितने लिए हैं, नंबर इसके हैं 671671। आउट ऑफ कितने में से लिए हैं जी, 1100 में से लिए हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख लेने हैं। पासिंग ईयर कौन सा है, किस साल में इसने पास किया, तो इसने जनाब 2016 में पास किया है। तो ये तमाम डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लें ईयर को और ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर दें। आपका जो रिकॉर्ड है डिग्री का, मैट्रिक का, वो यहाँ पर देखें ऐड हो चुका है, इसकी परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट हो गई है। इस तरीके से आप सेकेंड यानी FSC 12 साल एजुकेशन, बैचलर, ग्रेजुएशन जो भी आपने किए वो बारी बारी इस तरह इंटर कर दें, और इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट का ये जो येलो बटन है इस पर नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर लैंग्वेज डिटेल्स पूछी जा रही हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं फॉर एग्जांपल, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके उसका स्टेटस बता देना है कि आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बारी बारी इस तरह आपने ऐड लैंग्वेज करके वो भी ऐड कर देनी है। अब इस स्टेप में आप अपना एक्सपीरियंस एंटर करेंगे अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फाइनल यानी पांचवें स्टेप जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है इस पे आ जाएं। यहाँ पर आपने प्रोफाइल पिक्चर, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट, बैक और डोमिसाइल का फोटो आपने अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट JPG और JPEG होना चाहिए, पिक्चर का फॉर्मेट, और साइज़ जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए। साइज़ को कैसे रिड्यूस करना है आपको तरीकाकार बताता हूँ, एक वेबसाइट के जरिए आप इजीली इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्चर का साइज़ देखने के लिए आप उस पिक्चर पे माउस को ले आएँ जी, माउस का एरो जैसे ही आप उस पिक्चर पे लेके आएंगे तो आपको उसका फॉर्मेट और उसका साइज़ नज़र आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं इसका JPG फाइल का फॉर्मेट है और साइज़ 549 KB। इसी तरीके से आपने साइज़ देख लेना है, 100 KB या 100 KB से ज़्यादा होगा तो उसको आपने रिड्यूस करना है इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर आपने सेलेक्ट इमेज करके अपनी जो इमेज है जिसका आप साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लें, और ये यहाँ से साइज़ उसका बता दें। ऑलरेडी 100 KB है, रिड्यूस साइज़ पे क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ कम हो जाएगा और ये 100 KB से 1-2 KB कम होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही होगा। साइज़ कम करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लें, यहाँ पर बटन आपको दिखाई दे देगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ रिड्यूस करने के बाद आपने इस प्रोफाइल पिक्चर यानी इस डब्बे पर जो भी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करके ले आएंगे। तमाम फोटोज़ यानी पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आपने एक काम लाजमी करना है, ये जो येलो कलर का अपलोड का बटन है तमाम पे क्लिक लाजमी करके सेव कर लेना है, अदरवाइज़ ये अब कम्प्लीट नहीं होंगी, सेव नहीं होंगी और आपका ये मिसिंग हो जाएंगी। तो आपने इस अपलोड के बटन पर क्लिक करके तमाम को सेव कर लेना है, और जब ये डिसेबल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फुली ये अपलोड होकर सेव हो चुकी हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको ये अपलोड का बटन कुछ इस तरह से डिसेबल दिखाई दे देगा। ठीक है, जब ये तमाम आप सेव कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन की तरफ चले जाएंगे। अब ये वो फाइनल स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। आप एंड में आएंगे, दो चेक बॉक्स मिलेंगे आपको, वो आपने दोनों चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद
सबमिट करेंगे और फिर अपना जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आप देखेंगे, अगर सही है तो फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। कोई मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो आपने दोबारा उसको दुरुस्त कर लेना है। आपने इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट फॉर्म के इस बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दें। यहाँ पर ऊपर अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन तो नो एज रिलैक्सेशन पे क्लिक कर दें और अब आपका सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा, आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ेंगे, नो एज रिलैक्सेशन नहीं करेंगे या एज रिलैक्सेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका सबमिट का बटन डिसेबल ही रहेगा और आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। सबमिट फॉर्म के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से वार्निंग शो हो रही है, आप इस वार्निंग को पढ़ लें और अगर आप प्रीव्यू सबमिशन पे आपने क्लिक कर देना है अपना फॉर्म देखने के लिए, आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक कर दें और उसके बाद प्रीव्यू सबमिशन के बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म एक दफ़ा रीड लाजमी कर लें और फिर फाइनल ओके कर दें, ठीक है। मैं भी ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह से ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो गया है और हमारा अप्लाई यानी इस कैंडिडेट का अप्लाई GD Scale 7 के लिए हो चुका है। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं IB में अनाउंस की जो होने वाली, FGO में अनाउंस होने वाली किसी भी जॉब्स के लिए। तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करके फर्दर उसकी यहाँ पर ये देख सकते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड कि क्या टेस्ट आपके होंगे, ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और बाकी रिक्वायरमेंट क्या है। व्यू एप्लीकेशन के पे बटन पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं। सो यस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई के सर्विस चार्जेस हमारे 300 रुपीज़ हैं। इसके अलावा इस पे अप्लाई करने की, IB की जॉब से अप्लाई करने की कोई बैंक फीस नहीं है। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।